हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू आज हमारा जो करंट अफेयर का सेशन है वो है ट्वेंटी सिक्सथ ऑफ जून से लेके सेकेंड ऑफ जुलाई तक ये हम करंट अफेयर आज डिस्कस करेंगे ठीक है जी जो भी हमारा लास्ट वीक के जो भी करंट अफेयर रहे उनको आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और आपका सभी को पता है ऑलरेडी जो लेक्चर लगाते हैं कि इसकी जो पी है वो आपको ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसकी पी आपको अवेलेबल होगी वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ठीक है और साथ साथ अपना न्यूज़ पढ़ते रहना ठीक है जी करें फिर स्टार्ट इसको गुड आफ्टरनून जी गुड आफ्टरनून एवरी वन हाँ जी आतुष गुप्ता बताइए क्या क्वेश्चन है तो ये आप एक बार ऑफ़िस में फ़ोन करके पूछ सकते हो जो ऐसे डाउट हैं जैसे कोई पेपर में कुछ गलत भरा गया है या कुछ है तो आप ऑफिशियल नंबर है ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी का वो आपको गाइड कर देंगे कि इसमें क्या करना है आप वहाँ से कॉल करके ये चीज़ जान वो आपको बता देंगे गुड आफ्टरनून जी गुड आफ्टरनून चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं जी हम अपना चलिए जी आगे देखिए क्या हम जो न्यूज़ है सबसे पहले न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं चाइना नेवी टू बिल्ड अ नेवल फैसिलिटी इन कंबोडिया चाइना नेवी ने अभी क्या किया है चाइनीज़ नेवी ने क्या किया है एक नेवल फैसिलिटी वो की है बनाया है कंबोडिया uh, में चाइना इज सीक्रेटली बिल्डिंग अ नेवल फैसिलिटी ऑन द नर्दर्न पोर्शन ऑफ द कंबोडिया रैम नेवल बेस दैट वुड हेल्प एक्सटेंड इट्स मिलिट्री करंटली लिमिटेड रीच इन फॉरन वाटर्स चाइना कमांड्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवल फ्लीट विद मोर देन 350 फिफ्टी वेसल्स सबसे ज़्यादा अगर फ्लीट्स की बात करें जो शिप्स होते हैं या वॉर शिप्स होते हैं सबसे ज़्यादा चाइना के पास है ठीक है जी और चाइना क्या कर रहा है अगर आपको देख कंबोडिया में अभी उन्होंने अपना नया वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कंबोडिया में अगर आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा दोबारा मैं फिर एक बार थोड़ी सी बात करता हूँ जैसे ये इंडिया है तो इंडिया के इस एरिया में जैसे ये एरिया है ये सारा चाइना क्या ट्राई कर रहा है चाइना ट्राई कर रहा है कि इंडिया को चारों तरफ से ऐसे घेर लिया जाए और चाइना की उस पॉलिसी का नाम भी है स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या बोलते हैं उस पॉलिसी को स्ट्रिंग ऑफ पल्स मैंने पहले भी कई क्लासेस में ये बात आपको पढ़ाई है स्ट्रिंग ऑफ पल्स कि जैसे आपने सुना होगा चाइना का पोर्ट है श्रीलंका में हम्बन टोटा चाइना का पोर्ट है इधर ग्वाडार कराची में तो ऐसे पोर्ट हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट जो इंडिया के आसपास हैं ये उनकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का एक वो है रिजल्ट है जो वो कर रहे हैं इंडिया के आसपास और इंडिया भी उसके बदले में एक पॉलिसी है इंडिया की जिसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड नेकलेस ऑफ डायमंड इंडिया क्या कर रहा है जैसे मान लो ये सारा आपका चाइना वाला एरिया है ये सारा इंडिया ने इंडिया का एक एरिया यहाँ मंगोलिया इंडिया ने एक अपना जगह बनाई है यहाँ पे जापान में है ठीक है जी आप लोगों ने सुना होगा उसके बाद यहाँ इंडोनेशिया में है इंडोनेशिया यहाँ पे पड़ता है तो यहाँ पे एक है सबांग उसको बोला जाता है इंडोनेशिया में क्या है यहाँ पे सबांग सबांग है इंडिया की एक जगह कहाँ पे इंडोनेशिया उसके बाद श्रीलंका में इंडिया अपना प्रोजेक्ट चला रहा है फिर यहाँ पे ये यह अफ्रीका है अफ्रीका में यहाँ पे इंडिया का अजम्पशन आइलैंड है कौन सा आइलैंड है अजम्पशन आइलैंड ये सेशल्स जो जगह है सेशल्स वहां पे इंडिया का पड़ता है अजमशन आइलैंड अफ्रीका के इस साइड और उसके बाद यहां जो ओमान वाला एरिया है यहां इंडिया का है डकम डकम पोर्ट है एक ये कौन से एरिया में पड़ता है ओमान और आपको पता होगा ईरान में इंडिया का कौन सा पोर्ट है यहाँ पे छाबार वो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं ईरान में इंडिया का कौन सा पोर्ट है जी छाबार तो ऐसे अगर देखो आप इंडिया भी तो नॉर्मली इंडिया क्या बना रहा है ये चीज ये सारा क्या बन रहा है तो ये जो इंडिया है इंडिया चाइना को काउंटर कर रहा है चाइना के आसपास मतलब अपना एरिया बना रहा है उसको बोलते हैं नेकलस ऑफ डायमंड जो चाइना कर रहा है वो है स्ट्रिंग ऑफ पल्स समझ लगा आपको कुछ तो अभी रिसेंटली चाइना ने क्या किया है में कंबोडिया कहाँ है जैसे ये इंडिया है इंडिया के इस तरफ मलेशिया थाईलैंड और यहाँ पे तीन कंट्रीज पड़ती हैं यहाँ पे छोटी छोटी ठीक है जी लाओस कंबोडिया वियतनाम कंबोडिया वेतनाम आपने कभी सुना भी होगा लाओस कंबोडिया वेतनाम तो यहां पे वो कंट्रीज हैं लाओस कंबोडिया वेतनाम तो अभी कंबोडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे उन्होंने अपनी नेवल फैसिलिटी लगाई है किसने जी चाइना ने इससे पहले इससे पहले चाइना क्या कर चुका है कोई डाउट तो नहीं है जी किसी को बेसिक सी चीजें हम बात कर रहे हैं आगे देखिए क्या है अगर ये क्लियर हो गया उसके बाद देखो जैसे उन्होंने यहां बात लिखी है चाइना करंटली हैज ओनली वन फॉरन नेवल बेस एट इजबाउती इन ईस्टर्न अफ्रीका जो ये अफ्रीका है यहां पे अफ्रीका कंट्री आपको पता है सभी को ये जो अफ्रीका वाला एरिया है अफ्रीका के इस एरिया में ये कंट्री पड़ती है इजबाउती कहते हैं इजबाउती कहते हैं ईस्टर्न है, 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 अफ्रीका तो यहां पर अभी तक चाइना का अकेला नेवल बेस जो कहां पर है वो इजबाउती में है क्लियर है अभी वो अपना कहाँ बनाने लगे हैं कंबोडिया में तो ये न्यूज क्लियर होगी सिंपल न्यूज थी आपको पूछ सकता है कि रिसेंटली किस कंट्री ने अपना नेवल फ्लीट या नेवल बेस बनाने शुरू किया है कंबोडिया में तो आंसर क्या आएगा चाइना इज्जती में किसका है चाइना का आपको समय लगेगा होगा चाइना ऐसा क्यों कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडिया के आसपास और इंडिया को उसका काउंटर करने के लिए इंडिया का क्या है नेकलेस ऑफ डायमंड क्लियर है सभी को चलिए जी आगे देखिए सेकंड न्यूज़ क्या है आरबीआई एक्सटेंड्स कार्ड टोकनाइजेशन डेडलाइन बाय थ्री मंथ्स टिल सितंबर 302022 एक्चुअली क्या हुआ आरबीआई ने अभी क्या बोला है तीन महीने के लिए कार्ड टोकनाइजेशन जो थी वो इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम जून 30 से सितंबर 30 तक फॉर ऑल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स एंड पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स अब इसमें क्वेश्चन आएगी है कार्ट टोकनाइजेशन क्या चीज है देखो कार्ट टोकनाइजेशन क्या है आप जनरली हम हम अपना कार्ड यूज़ करते हैं मान लो कोई भी हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी है कोई पेमेंट करनी है तो वो बोलेगा कि भाई अपने कार्ड की डिटेल भरो तो हम अपने कार्ड की सारी डिटेल भरते हैं सी वी भरते हैं कार्ड का नंबर भरते हैं सारा कुछ भरना पड़ता है हमें इसमें दिक्कत क्या आती है कल को जो फ्रॉड होते हैं तो हो सकता है कुछ डाटा लीक हो जाए तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है आपका पैसा निकाल लिया जाए या कुछ भी तो सरकार ने क्या बोला है कि एक कार्ड टोकनाइजेशन चीज़ होगी टोकन क्या होगा एक टोकन एक नंबर होगा ठीक है जी जो कि कितने डिजिट्स का होगा सोलह डिजिट्स का इससे क्या होगा जो पर्सनल डिटेल है कार्ड की आपको वो नहीं शेयर करनी पड़ेगी कुछ चीज़ों को मिला के ये टोकन आपको दिया जाएगा 16 डिजिट्स का इसके थ्रू ही आप अपनी पेमेंट्स क्लियर कर सकते हो सारी चीज़ें हो सकती हैं आपको सारा कार्ड डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है तो अभी आ, बोला गया है आरबीआई द्वारा कि भाई इस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है कि सभी जो पेमेंट पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसके साथ मतलब इसके साथ डील करें और अपने पेमेंट सिस्टम को ये चेंज करें कि ऐसी पेमेंट हो सके तो कार्ड टोकनाइजेशन ये चीज़ है सिंपल एक टोकन होगा जो कि सोलह डिजिट का होगा जिसके थ्रू आप पेमेंट्स वगैरह कर सकते हो विदाउट डिस्लोजिंग योर पर्सनल इनकम बिना आप अपनी पर्सनल इन, इनकम बोल रहा हो सॉरी पर्सनल डाटा को डिस्कलोज किए पर्सनल कार्ड का डाटा को डिस्कलोज किए आप ये कर सकते हो तो ये सरकार की स्कीम थी कार्ड टोकनाइजेशन को लेके डॉली बेदी क्या टॉपिक नहीं क्लियर हुआ या ये क्लियर नहीं आ रहा प्लीज बताना किसी को कोई डाउट है और जिसको ये चीज ना समय लगी हो बताओ बताओ कोई डाउट है जी बताइए मैं वेट कर रहा हूं जी फिर हम आगे चले नहीं तो आप ना थोड़ी अच्छा दोनों ही है आप थोड़ा सा अपना जो क्वालिटी है वीडियो की उसको थोड़ा सा इनक्रीज़ कर लो और रही बात ये कार्ड टोकनाइजेशन की ये एक जैसे आप कार्ड देते हो कहीं भी आपने पेमेंट कर रही है कार्ड की डिटेल होती है हो, उस पर नंबर होता है सी नंबर होता है वो आप देते हो फिर आपको ओ आता है फिर आप एक पेमेंट प्रोसेसिंग होती है अभी क्या है एक टोकन होगा उस टोकन के जरिए ही आपकी पेमेंट हो जाएगी ना आपको सीवीवी देने की ज़रूरत है ना कार्ड नंबर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी इससे क्या है आपके साथ जो आपकी इंफॉर्मेशन है कार्ड की वो शेयर हो जाती थी पहले अब वो नहीं होगी और दूसरी दूसरी चीज इसी को टोकन बोला गया है यह एक सोलह डिजिट्स का एक टोकन होगा क्लियर है चीज यार बाकी लोग बताना क्वालिटी में कोई आ, सभी को क्वालिटी क्लियर नहीं है फिर तो आ, इसको चेक करवाएं थोड़ा सा या बाकियों को क्लियर है क्वालिटी के लिए मैं बोल रहा हूं सभी को प्लीज एक बार देखो यस और नो में बता दो या कि क्लियर है या नहीं है आप लोग थोड़ा सा ना जिनका थोड़ा दिक्कत आ रही है आप लोग प्लीज़ एक बार इसको रिफ़्रेश कर लो और दूसरी चीज़ है कि आप उसको थोड़ा क्वालिटी इंक्रीज़ करके देखो आप अपने फ़ोन में या कहीं भी देख रहे हो तो हो सकता है उस वजह से ना हो रहा हो या इंटरनेट प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे अभी मैंने इसीलिए सभी से पूछ लिया मैं कहीं सभी को दिक्कत आ रही हो फिर आप बोलोगे हमें नहीं किया ये इसीलिए मैंने सभी से एक बार पूछा था कि ये बताया कि अगर तो सभी को दिक्कत है फिर हम इसको चेंज करते हैं कुछ चलिए फिर ठीक है जी ये सारा कुछ वही लिखा है वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन रूथ ओजेकी अमेरिकन कैनेडियन ऑथर है फिल्म मेकर एंड जेन बुद्धिस्ट प्रीस्ट हैज द वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन किसके लिए मिला उनका एक नॉवल है नॉवेल टाइटल द बुक ऑफ द फॉर्म एंड एम्प्टीनेस सिर्फ नाम याद रखना है ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है परमेश्वरम आयर टू टेक ओवर एज सीईओ ऑफ नीति आयोग परमेश्वरम आयर टू टेक एज सीईओ ऑफ नीति आयोग तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि नीति आयोग के बारे में हमने पहले भी काफी बार बात की है मैं आज दोबारा बात कर रहा हूं कि नीति आयोग की कभी कभी एग्जामिनर फुल फॉर्म बड़ी पूछ रहा है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वो आपको यहां पे इंस्टीट्यूट लिख देगा यहां पे ऑफ लिख देगा यहां पे ट्रांसफॉर्म लिख देगा ट्रांसफॉर्मिंग है इंस्टीट्यूशन है यहां पर फॉर है ये याद रखना अभी सीईओ लगाए गए हैं नए नाम क्या है परमेश्वरन आयर एक्चुअली पहले जो सीईओ थे वो कौन थे अमिताभ कांत वो कौन थे जी अमिताभ कांत अब नए सीईओ कौन लगाए गए हैं नीति आयोग के परमेश्वरम प्रवेशरन आयर अब देखो नीति आयोग की शुरुआत कहाँ से हुई इसकी रूट्स क्या हैं जब 1938 में मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ 1938 में जब आ, बात चल रही थी 1938 में कांग्रेस का सेशन हुआ हरिपुरा में हरिपुरा में कांग्रेस का सेशन हुआ सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पे कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे 1938 में तो इसी दौरान 1938 में एक कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी कौन सी कमेटी बनाई गई नेशनल प्लानिंग कमेटी ये कमेटी को लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू तो जो प्लानिंग का प्रोसेस हुआ नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई वो 1938 में बनाई गई कि प्लानिंग की जाए फिर यही नेशनल प्लानिंग कमेटी को धीरे धीरे और प्लान आते हैं सर्वोदय प्लान आता है गांधीयन प्लान आता है ठीक है जी और काफ़ी प्लान आते हैं उनके बाद फाइनली आपने सुना होगा कि प्लानिंग कमीशन बना दिया जाता है एक प्लानिंग कमीशन बना दिया जाता है ठीक है जी जवाहरलाल नेहरू के कहने पे और फाइव ईयर्स फाइव ईयर प्लान्स का जो कंसेप्ट है वो शुरू हो जाता है पहला फाइव ईयर प्लान आया सेकंड आया थर्ड आया फोर्थ आया ऐसे करते करते इलेवंथ आया ट्वेल्थ आया उसके बाद क्या है जी 2014 में इलेक्शन हुए सरकार चेंज हुई बीजेपी गवर्नमेंट आती है 2015 में प्लानिंग कमीशन को खत्म करके सरकार ने क्या बना दिया जी नीति आयोग दो में दो में नीति आयोग बना दिया गया प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो सरकार को रिकमेंडेशन देता है कि ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए ये एक थिंक टैंक है अब नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो कौन होते हैं जी चेयरमैन कौन होता है इंडिया के पीएम जो कि कौन है नरेंद्र मोदी और वाइस चेयरमैन कौन है आजकल नाम है सुमन बैरी और सीईओ किन्ने लगाया गया है अभी रिसेंटली परमेश्वरन आयर क्लियर है ये न्यूज इस न्यूज में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो प्लीज सुमनदीप वो ये न्यूज थी कि जो ये होगा ये आप देखिए जो आपको टोकन दिया जाएगा मतलब जो टोकन आप यूज करोगे एज अ जिससे आप ट्रांजेक्शन होगी आपकी वो सोलह डिजिट का एक नंबर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे टोकन बोलेंगे ये न्यूज क्लियर होगी जी किसी को डाउट है आज मैं थोड़ा सा पूछ के चल रहा हूं आप लोगों से अदरवाइज हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं ये न्यूज क्लियर है नीति आयोग वाली न्यूज क्लियर है नीति आयोग ना तो इसके लिए कोई संविधान में आर्टिकल है ना ही नीति आयोग के लिए कोई एक्ट पास हुआ है तो मतलब नीति आयोग ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही ये स्टैचूटरी बॉडी है ये बात याद रखना ये सिर्फ ऑर्डर्स पे बनाई गई हैं चलिए जी आगे अविनाश कुल कुलकर्णी अपॉइंटेड है सीईओ ऑफ आईडीआरसीएल इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड आईडीआरसीएल ये देखिए क्या चीज़ है किसी को पता है इसके बारे में इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी बताइए किसी को पता हो अच्छा चलो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ बैड बैंक्स क्या होते हैं मेरा जनरली ये क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक में क्योंकि वही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बैड बैंक्स क्या होते हैं जल्दी आंसर दीजिए बैड बैंक रिचर्ड ठाकुर ने बोला सर बैड बैंक बैड बैंक क्या होते हैं जी चलिए थोड़ा सा बात करते हैं एक्सप्लेन करते हैं बैड बैंक क्या चीज़ है जी अगर आपको पता है जनरली हमारे इंडिया में क्या होता है बैंक जो होते हैं उनका मेन एसेट्स होता है कर्जे वाले कर्जे वाले अमन चौहान चलो थोड़ा सा बात करते हैं एक्चुअली क्या होता है बैड बैंक्स जब कोई भी कोई भी बैंक जैसे है किसी को लोन देता है या कुछ भी करता है कल को वो लोन वापस नहीं आता तो बैंक की जो बुक्स होती हैं उनमें वो खड़ा वो जो है वो ऐसी रहता है जिसमें क्या होता है कि वो शो होता रहेगा कि भाई इसने लोन नहीं दिया बैंक का जो है वो ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है लोग इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर देते हैं लोग अपना पैसा बंद इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे उस बैंक में उनको लगता है कि कोई इनके पैसे लेके भाग गया तो हम अपने पैसों का क्या करेंगे तो बैंक की जो बुक वैल्यूज होती हैं उनको क्या करने के उनको क्लियर करने के लिए बैंकिंग सिस्टम को सही करने के लिए एक बैड बैंक होते हैं जो बैंक का ये जो लोन होते हैं जो एक तरह से एनपीए जो वापस नहीं आ रहे या कुछ हो गया उनको ये ले लेते हैं ठीक है जी बैड लोन ले लेते ले हैं इसलिए इनको बैड बैंक बोला जाता है ये फिर क्या करते हैं अब यही मैं बताने लगाऊंगा आप लोगों को कि एक तो हमारे जो बॉडी है वो है एन ए आर सी एल जैसे लिखा है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड मान लो कोई बैंक है ठीक है जी उसके ऊपर सौ करोड़ है सौ करोड़ का उसका एन पी ए है तो एन ए आर सी एल क्या करेगा उसको बोलेगा कि ये पकड़ भाई पंद्रह करोड़ और हमें क्योंकि जिस बंदे ने लोन लिया होगा इस बैंक से सौ करोड़ का या अलग अलग लोग होंगे उन्होंने कुछ कोलेट्रल भी रखा होगा गिरवी रखा होगा तो ये बोलेगा एन कि भाई मेरे से पंद्रह करोड़ पकड़ पंद्रह परसेंट पकड़ और मुझे ये कोलेट्रल दो जो ये गिरवी रखा है ये मुझे दो एन फिर एन के बाद काम आता है आई का इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड ये क्या है ये उस कॉलेट्रल को मार्केट में देखती है कि उसकी वैल्यू क्या है उसको बेचते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट किया जाता है लिया जाता है ताकि वो बैंक अपना पैसा पूरा कर सके तो ये इनका काम है आई इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड और दूसरी चीज़ है कि ये प्राइवेट है गवर्नमेंट नहीं है ये गवर्नमेंट है और ये प्राइवेट है क्योंकि इसमें फिफ्टी शेयर जो है वो किसका है प्राइवेट बैंक्स प्राइवेट बैंक का इसमें फिफ्टी वन परसेंट शेयर है इसलिए आई डी आर सी एल एक प्राइवेट है तो इसीलिए जब इन्होंने अपने अभी इनको लगाया सीईओ लगाया अविनाश कुलकर्णी को तो इनको आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि मोस्टली शेयर किसका है इसमें प्राइवेट बैंक्स का इसलिए इन्होंने आरबीआई से इनको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है यह बंदा अपॉइंट किया गया है और आपको समझ लग गया होगा कि एनएआरसीएल एंड आईडीआरसीएल का काम का क्या है क्लियर है सभी को क्लियर है यस और नो जल्दी आंसर किया करोगी क्लियर है फिर हम आगे चले प्लीज आपको थोड़ा ही लिखना होता है कि यस और नो चलिए जी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड क्या किया इंडिया ने वर्टिकल लॉन्च आप समझ रहे हो कि आसमान में जाएगी ऐसे नहीं जाएगी आसमान में जाएगी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ही जाती रहेगी कुछ टाइम तो बात तो ऐसे चेंज नीचे आएगी ग्रा वो नीचे आएगी बट एक बार वर्टिकल लॉन्च होगा तो वर्टिकल लॉन्च है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिजाइल है सरफेस टू एयर एयर में हिट करेगी कोई भी जो है मान लो कोई भी चीज़ आ रही है एयर में ये जो मिजाइल है कल को इंडिया की तरफ से इंडिया में कोई मिजाइल आ रही है तो उसको ये काउंटर कर सकती है डीआरडीओ ने टेस्ट किया कहा चंदीपुर कोस्ट ऑफ ओडिशा इट्स अ शिप बॉर्न वेपन सिस्टम टू न्यूट्रलाइज वेरियस एरियल हाई स्पीड एयरबोर्न टारगेट्स एट अ रेंज ऑफ 40 टू 50 किलोमीटर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 15 किलोमीटर इंक्लूडिंग स्की स्कीमिंग टारगेट्स अगर इंडिया के ऊपर ये जनरली कहाँ पे फिटेड होगी पहली चीज़ तो शिप बॉर्न वेपन है शिप पे लगाया जाएगा इंडिया की तरफ कोई मिसाइल आ रही है या इंडिया की तरफ कोई एरियल थ्रेट है हमें लग रहा है कोई ड्रोन है जो हमें हिट कर सकता है या कोई मिसाइल है या फिर कोई हे, मतलब हेलीकॉप्टर है या फिर कोई फाइटर जेट है तो उसके लिए हमने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बनाई है ये क्या करेगी आसमान में जाएगी शॉर्ट रेंज है शॉर्ट रेंज क्यों क्योंकि 40 टू 50 किलोमीटर तक ही टारगेट देख पाएगी मतलब वहीं तक हिट कर पाएगी और 15 किलोमीटर आसमान में जा सकती है और उसके बाद एरियल कोई भी चीज़ हो थ्रेट हो उसको हिट कर सकती है ये मिसाइल नहीं अभी इसका टेस्ट किया गया वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इस पर कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है ये याद रखना अगर ये नाम देगा भी वी एल एस आर आपने इन नामों में कंफ्यूज मत हुआ करो जैसे एस आर एस एम मिजाइल में शॉर्ट रेंज अगर एल एम आर होता तो लॉन्ग रेंज अगर एम आर होता तो मीडियम रेंज अगर सरफेस एस ए है तो सरफेस टू एयर अगर ए ए है तो एयर टू एयर अगर एस एस है तो सरफेस टू तो सरफेस और एम से आपको पता है कि मिजाइल है तो इनमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना ये यहाँ एक्सप्लेन ही होता है सारा कुछ क्लियर है और रेंज ये लिखी है फोर्टी तो टू फिफ्टी किलोमीटर और एल्टीट्यूड लिखा है फिफ्टीन किलोमीटर यहीं पर क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा तो बैडमिंटन इंडोनेशिया ओपन थोड़ी सी ना आज आप लोग प्लीज़ एक मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ी सी न्यूज़ ज़्यादा है तो मैं ये जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है ये आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ स्लाइड बनाई हुई है इंडोनेशिया ओपन दो हज़ार जकार्ता में हुआ जो कि कैपिटल है इंडोनेशिया की मैन सिंगल्स में विक्टर एक्सल्सन ने जीता है फ्रॉम डेनमार्क से है वन मैन सिंगल टाइटल अगेंस्ट चाइना जाओ जुन पेंग को हराया उन्होंने और मैन सिंगल्स वर्ल्ड टूर रैंकिंग में टॉप पे आए हैं इंडिया मेल शटलर हारे हैं उनसे हमारे प्लेयर हारे थे कौन से मैच में सेमीफाइनल में और वुमेन सिंगल्स का ये दिया हुआ है याद रखना इंडोनेशिया ओपन है तो नाम से डिफाइंड है कि इंडोनेशिया में हुआ होगा टाटा पावर सोलर कमीशन इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट देखो ये आपको दिख रहा होगा नीचे थोड़ा सा बनाया हुआ इंडिया का लार्जेस्ट टाटा ने अभी बनाया है सोलर पावर प्रोजेक्ट इसमें क्या है ये जैसे ये रिवर आपको दिख रहा है या समंदर के आसपास बिल्कुल जहाँ पे लैंड खत्म होती है समंदर शुरू होता है तो वहाँ पे कुछ एक्सटेंशन करके हम ये सोलर पैनल लगा देते हैं इसलिए इनको फ्लोटिंग कहा जाता है क्योंकि इनके नीचे पानी होता है फ्लोटिंग इसलिए कहते हैं ऐसा नहीं है कि ये फ्लोट कर रहे हैं कल को फ्लोट करते करते ऐसे तो ये पाकिस्तान चले जाएंगे ठीक है पाकिस्तान कहेगा कि हमने सोलर पैनल लगाए हैं तो ऐसा नहीं है फ्लोट नहीं करते जनरली फ्लोटिंग चीजों पे होते हैं इसलिए इनको फ्लोटिंग कहा जाता है क्लियर एवरीवन वन कौर आ, मैंने एक्चुअली बोला था मे भी आ, सर थोड़ा बिजी होंगे उन्होंने नहीं की नेक्स्ट टाइम से आपको जो पीडीएफ है वो मंडे ही टेलीग्राम ग्रुप में डल जाएगा कर मंडे या ट्यूसडे ठीक है जी मतलब क्लास से पहले आपको मिल जाएगा रिक्यू अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट इंक्रीज अपर एज लिमिट टू 23 इयर्स इस न्यूज को मैं यहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा आप लोग इसके बारे में जानते हो बहुत बार आपने न्यूज में सुना होगा अभी रिसेंटली तो इतना मुद्दा चला तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग पढ़ते हैं उनको इसके बारे में ना पता हो तो इसलिए इस न्यूज को इस पर अलग डिस्कशन कर लेंगे कभी न्यू मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस दो नए मेंबर्स कॉमनवेल्थ ऑफ ग्रुप ऑफ नेशंस में ऐड हुए हैं नाम कौन से हैं गैबोन एंड टोगो ये दोनों ही अफ्रीकन कंट्रीज हैं गैबोन एंड टोगो दोनों ही नए मेंबर बने हैं किसके कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशन कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस देखिए क्या है मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ क्यों बनाया गया था ये एक सिंपल बात करते हैं एटीन में लॉर्ड रॉसबेरी लॉर्ड रॉसबेरी डिस्क्राइब्ड इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया कि ब्रिटिश अंपायर अंपायर एज अ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या बोला गया उसको एज अ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्लियर हुई है बात क्या बोला गया कॉमनवेल्थ ऑफ एज अ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस पहली बार ये टर्म तब यूज़ हुई है मैं आपको ये बता दूं कि उस टाइम पहली बार ये टर्म का यूज़ किया गया फिर धीरे धीरे इससे रिलेटेड बातें होते रही कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो अंग्रेज़ों की कभी ना कभी कलोनी हुआ करते थे ब्रिटेन ब्रिटेन हुकूमत की उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ बोलते थे इसमें क्या है बट आज की डेट में ऐसा नहीं है अगर आपको बोले कि भाई कॉमनवेल्थ है गेम्स भी होती हैं कि उसमें कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट लेते हैं क्या वही कंट्रीज पार्टिसिपेट लेते हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा नहीं है आजकल इसमें और भी मेंबर्स हैं बट स्टार्टिंग में थे जो लोग कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम थे वो लोग इसका मेंबर थे आजकल ऐसा कुछ नहीं है क्लियर है चीज़ तो ये आप बेसिक चीज़ देख सकते हो 2022 में कॉमनवेल्थ की जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग हुई वो कैगाली में हुई कैगाली इज द कैपिटल ऑफ रवांडा दिस इज ऑल्सो इन अफ्रीका वहाँ पे मीटिंग हुई है और दूसरी चीज रवांडा ही लास्ट कंट्री था 2009 में जिसने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया था अभी रवांडा में जो मीटिंग हुई वहाँ पे अफ्रीका की दो कंट्रीज गैबन और टोगो ने इसको ज्वाइन किया है और प्रॉपर इसकी फॉर्मेशन अगर हम बात करें 1949 में जब आठ देश इवन इंडिया पाकिस्तान उन्होंने आगे बोला कि हम एक ग्रुप बनाएंगे कि मेंबर ग्रुप बनाएंगे, ठीक है जी तो 1949 में प्रॉपर शुरुआत हुई कॉमनवेल्थ की बातें तो पहले से चली आ रही हैं अगर आप देख ही रहो यहाँ पे, ठीक है जी बट लास्ट में क्या हुआ अगर आप देखोगे लाइक मोन्जाम्बिक मतलब ये कंट्रीज यानी याद रखना आपने In 1949, the Commonwealth was founded as a association of eight former British colonies. जो पहले आठ ब्रिटिश की कॉलोनी थी उनसे ये मिलके बना है 1949 में कॉमनवेल्थ फिर धीरे धीरे बढ़ते रहे आज 56 मेंबर हो गए हैं और इसके हेड कौन है क्वीन एलिजाबेथ और 2024 की जो मीटिंग होगी अभी तो 22 की हुई है ना वो कहाँ पे होगी सामोआ वो कहाँ पे होगी जी मीटिंग सामोआ देखिए जो वर्ल्ड सपना जो वर्ल्ड के कुछ बता नहीं रहा कई लोगों को लगे कि सपना बता रहा है कुछ जो वर्ल्ड के करंट अफेयर्स हैं जो ये हम बातें कर रहे हैं ये सारी चीजें उसी में कवर होती हैं क्लियर है चीज ये सारी चीजें उसी में कवर हो जाएंगी जैसे हम ये बातें कर रहे हैं इंडिया के करंट अफेयर क्या है जैसे कॉमनवेल्थ है ये ये आपको पूछ सकता है ये वर्ल्ड से रिलेटेड करंट अफेयर है इंडिया का तो नहीं है ये ठीक है जी तो ऐसी चीजें आती हैं ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा सारा कुछ आएगा आप लोगों को इंडिया की नहीं कि बिल्कुल इंडिया का आएगा और उसका मतलब ये भी नहीं कि पंजाब का आएगा पंजाब का तो पूछेगा भी नहीं तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कॉमन वेल्थ से रिलेटेड आपको चीजें क्लियर है जी दो कंट्रीज ने अभी रिसेंटली आपसे पूछ सकता है ज्वाइन करने किया है नाम क्या है टोगो एंड दूसरा नाम बताइए जल्दी से मेरे पीछे करने से पहले नाम बताइए टोगो एंड टोगो एंड गैबन क्लियर है चीज थोड़ा ध्यान से पढ़ो इन चीजों को याद रखा करो मोनिका जनरली तो हम एग्जाम्स के जो करंट अफेयर है वो लास्ट सिक्स मंथ के बट आप जनवरी से करंट अफेयर करना शुरू करो कि अगर एग्जाम अभी आने वाला है तो जनवरी से करंट अफेयर करना शुरू कर दो आप लास्ट ईयर के आप नोवल प्राइज पढ़ लेना बाकी अदरवाइज जनवरी से आप शुरू करो करंट अफेयर बढ़ने चलिए जी आगे देखिए क्या है आरबीआई बी आई अप्रूव एस बी आई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरी जनरली क्या है आरबीआई ने एस को भी अप्रूवल दी है कि आप ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरीज खोल सकते हो जहाँ लोगों को ऑफरिंग सपोर्ट सर्विस दी जाएगी जैसे एग्रीकल्चर को लेके सब्सिडरी वुड प्राइमरली फोकस ऑन ऑफरिंग सपोर्ट सर्विस टू एग्रीकल्चर एमएसएमई अदर माइक्रो लोन्स डाटा एंट्री ऑपरेशंस एंड अदर एक्टिविटीज़ ये क्या है जैसे ई कॉर्नर यहां पे आपको दिख रहा होगा यहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं कि जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको ये ये मिल सकता है MSME के लिए आपको यह मिल सकता है तो एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर है आप यह कह सकते हो वो आरबीआई ने अप्रूवल दे दी है एस को कि आप ये खोल सकते हो ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरीज आप अपनी खोल सकते हो अब रही बात एस की रही बात अब रही बात एस की एसबीआई uh, में क्या है अगर आपने पहले पढ़ा हो कभी तो एक होता था बैंक ऑफ बंगाल फिर आया बैंक ऑफ बॉम्बे देन एक चीज आती है बैंक ऑफ मद्रास ठीक है जी ये बना था 1809 1840 और 1843 ये तीन बैंक बनाए गए थे अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी बैंक बनाए थे ये प्रेसिडेंसी थी बड़ी बड़ी बॉम्बे बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया बंगाल बनाया मद्रास बनाया बंगाल का बैंक बना 1809 फिर बॉम्बे का बना 1840 फिर मद्रास का बना 1843 ये तीन बैंक बनाए गए थे बाद में इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया नाइनटीन में और नाम रखा गया इंपीरियल बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 की बात है इम्पीरियल बैंक इंपीरियल बैंक रहा फिर हुआ क्या देश आजाद हुआ देश आजाद होने के बाद 1955 में नेशनलाइजेशन किया गया राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन किया गया किसका ऑफ इम्पीरियल बैंक का एंड रीनेम्ड और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जी रीनेम्ड एज एस बी आई और नाम चेंज करके क्या कर दिया एसबीआई समय लगी बात तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री थी कि एस बैंक की ओरिजन क्या है कैसे बना और कौन कौन से बैंकों को मिला के बना है क्लियर है सभी को पहले इंपीरियल बैंक बनेगा देन उसको नेशनलाइज किया और फिर एसबीआई बनाया गया ठीक है जी आगे चलिए देखिए क्या है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू इंडियन फेस्टिवल कमेटी इंडियन फेस्टिवल कमेटी के अकॉर्डिंग खुशी पटेल अ बायोमेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम द यूके हैज बीन डिक्लेयर द विनर ऑफ द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड दो हजार बाईस द लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया उसके बाद विदेही डोंगरे फ्रॉम यूएस वॉज डिक्लेयर द फर्स्ट रनर अप वाइल्ड श्रुति का माने बिकम द सेकंड रनर अप रोशानी रजाक फ्रॉम गुआना वाज डिक्लेयर्ड मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड दो तो ये डायरेक्ट नाम आपसे पेपर में पूछ लेगा ध्यान रखना न्यू प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन छोड़ सकते हो न्यूज को एक चीज़ है नाम याद रख लेना मोहम्मद हसन जालूद जो कि इराक से बिलोंग करते हैं इनको इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट लगाया गया है हेडकोर्टर है लोसेन स्विट्जरलैंड और इस न्यूज़ में कुछ नहीं याद करना न्यू अपॉइंटमेंट्स प्लीज़ ये आपके लिए है न्यू अपॉइंटमेंट्स में एक एक लाइन डिस्कस नहीं करूंगा कौन चेयरमैन बना कौन किसका क्या बना हाँ एक चीज़ आपको बता देता हूँ जैसे ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं आई के कुछ चेयरमैन लगाए गए हैं ठीक है ठीके? जैसे ये जो सारी चीज़ें हैं आप लोगों ने काम करना है अपॉइंटमेंट्स पेपर से पहले पढ़ के जाना अपॉइंटमेंट्स और डे अगर आ गया तो वेल एंड गुड है वैसे इनके चांसेस बड़े कम होते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं जो बड़ी बड़ी है मान लो वर्ल्ड बैंक के वो चेंज हो गए ठीक है जी कोई जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई बड़े लोग हैं या इंडियंस कोई अपॉइंट हुए तो वो आ जाता है आपके कंट्री के लेवल पे अपॉइंटमेंट से बहुत सारी होती हैं तो ये ज्यादा नहीं पूछता इनको पेपर देने से एक दिन पहले इनको और डेज वगैरह को एक बार देख जाना आगे आपकी किस्मत अच्छी होगी तो ठीक है नहीं तो ये ज्यादा याद भी नहीं रहते न्यूज सुनोगे तभी याद रहते हैं तो ये अपॉइंटमेंट्स हैं इनको प्लीज आप लोग खुद देखोगे एक बार यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ट्रैफिकिंग एंड ड्रग अब्यूज कुछ नहीं कोई न्यूज़ में कुछ याद नहीं करना सिंपल याद रखना मुझे ये बता दो एक चीज बता दो मुझे कि हमारे संविधान के एक आर्टिकल है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को रोकने की बात करता है वो कौन सा मौलिक अधिकार है कौन सा फंडामेंट राइट right है जल्दी आंसर लिखिए जी जल्दी से आंसर लिखो भाई 20, आर्टिकल 22 अमन चौहान आर्टिकल बाईस सोचो थोड़ा सा क्या है जो आप बोल रहे हो कौन सा आर्टिकल है जी आर्टिकल ट्वेंटी थ्री गुड आर्टिकल ट्वेंटी थ्री बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर ठीक है जी या प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर याद रखना इंडिया में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर है ज़बरदस्ती काम करवाना ये एक ठीक है जी ये एक पुनिशेबल ऑफेंस भी है वैसे तो ये हमारा फंडामेंटल राइट right है ट्वेंटी थ्री जिसके अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है याद रखना तो अभी इसको उसी से रिलेट कर सकते हैं और तो आपने डे याद रखिए क्या करना है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे डे नहीं याद रखना डे नहीं याद रखना थीम याद रखना है एंड एंड क्लियर है चीज आप सभी को अगर आप लोग क्लास लगाते हो आपको पता होगा लास्ट वीक मैंने एमएसएमई की सारी आपको डेफिनेशन लिखवाई थी एम क्या होते हैं मैं दोबारा स्लाइड पे यहां लिखवा रहा हूं एमएसएमई क्या होते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम याद होगा आधे लोगों को तो जिन्होंने क्लास लगाई है ये इन्वेस्टमेंट है यहां पे मैं लिख रहा हूं टर्नओवर ओवर एक करोड़ पांच करोड़ दस करोड़ पचास करोड़ और पचास करोड़ और ढाई सौ करोड़ माइक्रो होते हैं जहां इन्वेस्टमेंट एक करोड़ और टर्नओवर ओवर करोड़ की हो स्मॉल होते हैं जहां इन्वेस्टमेंट दस करोड़ और टर्नओवर ओवर पचास करोड़ मीडियम होते हैं जहां इन्वेस्टमेंट पचास करोड़ तक की हो और टर्नओवर ओवर ढाई सौ करोड़ तक की हो वो मीडियम कैटेगरी में आएगा तो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम ये तीनों की वो है डेफिनेशन है मैंने लास्ट क्लास में भी ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज़ आप लोगों को बताई थी दोबारा यहाँ पर ये लिखवाई है अभी न्यूज़ क्या है हमारे हमारे तो न्यूज़ है एम डे वो तो डे याद करना है करना हुआ तो कर लेना सताईस जून थीम है रेजिलियस एंड रीबिल्डिंग एमएसएमई होता क्या है वो ये है इनको बोलते हैं एमएसएमई नीति आयोग रिपोर्ट ऑन इंडियाज गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनोमी कुछ ही याद नहीं करना कोई रिपोर्ट आपको याद नहीं करनी है ना ही आपके काम की चीज है नीति आयोग हमने पढ़ लिया मेरा क्वेश्चन एक ही बनता है वो है गिग वर्कर्स गिग वर्कर्स क्या होते हैं बताइए जल्दी आंसर दीजिए अब मैं वेट नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग आंसर नहीं कर रहे जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिए कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं बताओ बताइए जी जगमीत कौर मुझे लगता है आप तभी बोल रहे हो ये एक साइज इंस्पेक्टर में ही क्वेश्चन आया था कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं बताओ अमन थोड़ा सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करो सभी को समझ आए हिंदी लिख दो पंजाबी लिख दो कोई भी लैंग्वेज जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो बोले हिंदी में एक्सप्लेन कर दो लिखा चाहे इंग्लिश में लिख दो प्लेटफॉर्म लाइक ओला उबर वेरी गुड एग्जाम्पल है जी अमन अच्छी एग्जाम्पल है ठीक है जी ओला उबर वाले आप बात कर सकते हो कि वो अपनी मर्जी से फ्री लांसिंग काम करते हैं एक तरह से माने उनका तो उबर चला लेंगे ओला चला लेंगे काम कर लेंगे नहीं करेंगे तो उनकी मर्जी है ऐसी वर्कर्स को ऐसे वर्कर्स को पहले हम इंक्ल्यूड नहीं करते थे हमारी गवर्नमेंट कोई भी स्कीम बनाती थी तो वो वर्कर्स के लिए बनाती थी कौन से वर्कर जो ऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइज कौन से हैं जो सरकारी जगह काम कर रहे हैं प्राइवेट काम कर रहे हैं बट जहाँ पे उनका पी एफ कट रहा है ऐसे वर्कर्स ये वर्कर्स कहाँ हैं तो ये वर्कर्स को भी कंसीडर किया जाए इनकी भी इकोनॉमी के में इनकी कंट्रीब्यूशन देखी जाए तो मुद्दा चला था उस टाइम पे ये वर्ड निकल के आया था गिग वर्कर्स समझ लगा सभी को ये एक तरह से गिग वर्कर्स होते हैं फ्री लांसिंग वर्कर्स होते हैं मतलब मन किया तो काम करेंगे मतलब इनका कोई ऑब्लीगेशन नहीं होती कि भाई नौ से पाँच में ऑफिस में बैठना है और ऐसे बैठ के काम करना है क्लियर हो गया सभी को गिग वर्कर्स क्या होते हैं चलिए जी समझ आ गया होगा मुझे लगता है लोगों को आरबीआई इश्यू सेमी क्लोज पीपीआई लाइसेंस टू मफिन फाइनेंस लिमिटेड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई जोमैटो स्विगी भी गिग वर्कर्स हुए सर फिर हाँ जी बिल्कुल हुए बिल्कुल हुए वर्कर हैं वो जान के एग्जाम्पल नहीं दी खाने खुने का टाइम हो रहा होगा ठीक है या निकल तो क्या है यहां पे सिंपल चीज देखिए पीपीआई मैं आपको लास्ट क्लास में भी समझा चुका हूं दोबारा अभी समझा रहा हूं जिन्होंने लास्ट क्लास लगाई थी या एक दो क्लासेस पहले भी पीपीआई न्यूज में था प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स प्री पेड इंस्ट्रूमेंट्स नाम देखो प्री पेड इंस्ट्रूमेंट पहले ही प्री पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पहले ही पेमेंट की चली गई अब क्या है मान लो ये एक कंपनी है दिस इज़ बी कंपनी ए कंपनी बी कंपनी ए कंपनी ने ए कंपनी के मैंने प्री पेड इंस्ट्रूमेंट्स लिए या इसने प्री पेड इंस्ट्रूमेंट मुझे दिए तो मैंने इसको पहले पैसा दिया अब कल को मुझे कोई भी सामान लेना है मुझे, मैं कोई भी इन फ्यूचर इससे सामान ले सकता हूं इस कंपनी से ए कंपनी से या ये अगर कोई सर्विस देती है मार्केट में मैं वो सर्विस भी ले सकता हूं ये मैं इसका कोई सामान भी खरीद सकता हूं सर्विस भी ले सकता हूं ये जनरल क्या है इसको प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं कि भाई मैंने पैसे दे दिए अब उसको पैसे को मैं यूटिलाइज बाद में कर लूंगा चाहे मैं सामान खरीद लूं वो पैसे मैं ट्रांसफर करवा लूं किसी को वो पैसे की मैं सर्विस खरीद लूं कुछ भी कर सकता हूं वो पैसा मैं निकलवा भी सकता हूं अब मुद्दा आ गया कि पीपीआई कौन सा एक होता है क्लोज पीपीआई पी आई क्लोज्ड पी से क्या मतलब है अगर मैंने इस कंपनी के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ भी है मेरे पास तो भाई अगर मैंने कोई गुड्स लेनी है सामान लेना है चीज लेनी है कोई या कोई मैंने सर्विस लेनी है तो मैं इसी कंपनी से लूंगा किसी और से नहीं यही कंपनी से ये होते हैं क्लोज पीपीआई एक होते हैं सेमी क्लोज सेमी क्लोज में मतलब ए कंपनी का बी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट है कोई आपस में इनका कॉपरेशन है तो मैंने जो खरीदे थे वो मैंने इसके खरीदे थे अब ये कंपनी अलाउ करती है कि भाई तू इससे भी खरीद सकता है जो मेरे जिसके साथ मेरा पार्टनर है ठीक है जी तो ये क्या हो गया सेमी क्लोज्ड पीपीआई -पी क्या हो गया सेमी क्लोज्ड पीपीआई अब आते हैं ओपन पीपीआई -पी ओपन क्या होता है मान लो मैंने किसी कंपनी का खरीद लिए मैंने किसी कंपनी के मेरे पास पी पी हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं अब मैंने कोई सामान नहीं खरीदना मैंने कुछ नहीं करना मैंने वो तो पैसे निकलवाने हैं दोबारा ए से तो वो मैं पैसे भी दोबारा इंडिया में किसी भी ए से निकलवा सकता हूँ वो एक तरह से क्या होते हैं ओपन पी है। कहीं से भी निकलवा लूँ वो होते हैं ओपन पी पी आई समझ लग गया आप लोगों को प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स न्यूज़ क्या है अभी आरबीआई ने लाइसेंस इशू किया है एक सेमी क्लोज्ड पीपीआई को जिसका नाम क्या है मफिन फाइनेंस लिमिटेड क्लियर एवरी वन मुझे बता दो कि ये क्लियर हो गया आप लोगों को यार जल्दी बताया करो यह न्यूज क्लियर है चलिए जी आगे ये टाइप्स दिए हूँ सारे याद नहीं रखने मैंने आपको बताई दिया थोड़ा पढ़ोगे बाकी समझ आ जाएंगे वर्ल्ड बैंक अप्रूवज यू एस जी टू फिफ्टी मिलियन फॉर इंडियाज रोड सेफ्टी प्रोग्राम इंडिया की रोड सेफ्टी के लिए यू अभी वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है ढाई सौ मिलियन और ये सात राज्यों में चलेगा इंप्लीमेंट होगा आंध्र प्रदेश गुजरात उड़ीसा तमिलनाडु तेलंगाना यूपी एंड वेस्ट बंगाल जो इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी उसके लिए पैसा दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा अब मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ अच्छी है लाइनें दी होंगे समझ आ जाएगा जो वर्ल्ड बैंक है वर्ल्ड बैंक दो बैंकों को मिला के बनता है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है यहाँ लिखा भी है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट पहला आई बी आर डी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये लिखा है दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आई डी ए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इन दोनों को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक क्या याद रखना है इन दोनों को क्या बोला जाता है वर्ल्ड बैंक और एक क्वेश्चन आता है पेपर में और कि वर्ल्ड बैंक एंड आई एम एफ ये दोनों आपको पता है एक ही कॉन्फ्रेंस के अंदर बने हैं मैं बहुत बार ये लिखवा चुका हूं ब्रैटन वुड्स कॉन्फ्रेंस वो कौन सी कॉन्फ्रेंस है ब्रैटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो कि फोर में हुई थी उस टाइम वर्ल्ड बैंक और आई एम एफ बने थे वर्ल्ड बैंक दो बैंकों को बोलते हैं आई बी आर डी एंड आई डी ए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई बताओ वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या चीज है वट इज वर्ल्ड बैंक ग्रुप तो पहला नाम आएगा आई बी आर डी दूसरा नाम आएगा आई डी ए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वही दोनों तीसरा नाम आएगा आई एफ सी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन फोर्थ नाम आएगा मीगा एम आई जी ए और फिफ्थ नाम आएगा आई सी एस आई डी इन पांचों को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप वर्ल्ड बैंक के अंदर अलग अलग कामों के लिए ग्रुप बने हुए हैं तो ये पांच ग्रुप हैं याद रखना कभी पेपर में आगे तो ध्यान रखना इनका क्लियर होगी ये बात हां जी वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आते हैं आईबीआरडी आईडीए आई एफ सी मीगा एंड आईसीएसआई डी गुड ये पांचों को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड बैंक बोलते हैं दो बैंक्स को क्लियर है थोड़ा सा काम क्या है सुन लो जल्दी जल्दी सुन लो ये पैसा देता है डेवलपिंग कंट्रीज को जो डेवलपिंग है ये पैसा देता है वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज़ को आईडीए आईएफसी पैसा देता है सरकारों को कोई भी कंट्री की या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसको भी पैसा दे देता है आईएफसी और मीगा का काम है बीच में गारंटी का मल्टीलेटरल इंटरनेशनल गारंटी एजेंसी गारंटी लेता है और अगर कोई इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट हो जाए आई तो ये सेटलमेंट करवाता है आई क्लियर है ये बात वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है डेविड मालबैस और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी बाकी हमने डिस्कस करी लिया हॉकी हीरो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी फाइव एस ल्यूसैन दो इसको एक बार पढ़ लेना न्यूज को आपके लिए छोड़ रहा हूं पंजाब बजट ये रीजनल न्यूज़ है सभी को करने की ज़रूरत नहीं है जो पंजाब के एग्जाम में जिन्होंने देना है उनको तो बजट के बारे में और भी न्यूज़ देखनी पड़ेगी बट ये एक सिंपल न्यूज़ है आप लोग इसको देख सकते हो ठीक है जी रीजनल न्यूज़ है जो पंजाब के नहीं है आपके पेपर में नहीं इससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछेगा ध्यान रखना मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है जल्दी से मुझे बता दो कि बजट का कौन सा आर्टिकल है संविधान में संविधान में बजट का आर्टिकल कौन सा है जल्दी बताइए संविधान में बजट का आर्टिकल क्या है गुड गुड कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल 112 और वहां बजट नहीं लिखा हुआ वहां लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आर्टिकल है 112 और उसी को बजट भी कहते हैं ठीक है जी बजट लिखा नहीं है संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा 112 है एक आर्टिकल है ठीक है जी और आप लोग एक चीज़ इसमें देख के आओगे यहां पे दिया है कि पंजाब का फिजिकल डेफिसिट इतना बढ़ गया है कुछ ऐसा है यस दिस इज फिजिकल डेफिसिट ऑफ पंजाब स्टैंड एट थ्री पॉइंट सेवन एट परसेंट फिजकल डेफिसिट क्या चीज है अगर तो आपको समझ आ गया तो, तो वे बहुत अच्छी बात है अदरवाइज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछोगे मैं आपको फिजिकल डेफिसिट समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है डेफिसिट समझ लगी बात अलग अलग तरह के डेफिसिट होते हैं प्राइमरी डेफिसिट बजट डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट तो आप मेरे से पूछोगे मैं तभी बताऊंगा अदरवाइज हम आगे चले जाएंगे नेक्स्ट क्लास में फिस्कल डेफिसिट देख के आना क्या चीज़ होती है इकोनॉमी की टर्म है और आज तक ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ठीक है जी पेपरों में ये आप लोग देख के आओगे क्योंकि अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा जिसको नहीं समझ आएगा वो मुझसे पूछ लेगा आपको पता है कि डोमेस्टिक जो कंजप्शन है बिजली की वो तीन यूनिट माफ़ की हैं ठीक है जी और उसके बाद पंजाब का जो डेट है वो कहते हैं पहले दो करोड़ एटी थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ था अब वो ती, तीन तीन करोड़ पाँच लाख थ्री हंड्रेड सिक्सटी वन करोड़ हो गया दो हजार बाईस तेईस में इतना हो जाएगा यह बोला गया है सिमरन आप जो बोल रहे हो कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओवर रेवेन्यू कि जब खर्चा बढ़ जाए पैसा कम आए रेवेन्यू आए ये कौन सा डेफिसिट है मैंने तो चार डेफिसिट बोल दिया आपको एक बजट होता है एक रेवेन्यू डेफिसिट होता है एक फिजिकल डेफिसिट होता है एक प्राइमरी डेफिसिट होता है ये कौन सा बता रहे हो आप रणजी ट्रॉफ़ी आपने सुना होगा कि इंडिया में अगर हम बात करें ठीक है जी ये सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है जो रीजनल मतलब ए कंट्री वाइज जो ट्रॉफी है मध्य प्रदेश ने जीता है रणजी ट्रॉफी बीटिंग मुंबई बाय सिक्स विकेट्स इन द फाइनल एट अ चिन्ना स्वामी स्टेडियम इन बेंगलुरु जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ आदित्य श्रीवास्तव टीम डिफीटेड फोर्टी टाइम्स चैम्पियन मुंबई जो इकतालीस बार मुंबई जीत चुके हैं उनको इन्होंने डिफीट किया इसके कोच कौन थे इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन चंद्रकांत पंडित और मुंबई बैटर सरफराज खान वॉज क्राउंड एज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट और दूसरी बात है नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप है जो इंडिया में खेली जाती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो हमें पता लग गया किसने जीता है मध्य प्रदेश ने डिफीट किसको किया है मुंबई को थर्टी एट टीम्स के अंदर मैच हुए जिसमें स्टेट्स की भी टीम्स होती हैं कुछ यूटीज भी होती हैं कुछ और भी टीम्स होती हैं बल और इन द सेंस कि फ़ॉरन की नहीं इंडिया की ही टीम्स होती हैं कुछ डिपार्टमेंटल जैसे टाइप कंपटीशन इज़ नेम्ड आफ्टर फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हु प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट रणजीत सिंह पहले बंदे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नाम था रणजीत सिंह उनके नाम पे उनको रणजी भी कहा जाता था उनके नाम पे ये रणजी ट्रॉफी होती है ठीक है जी और पहला मैच रणजी ट्रॉफी का नाइनटीन में हुआ बिटवीन मद्रास एंड मैसूर एट द चेपॉक गार्डन इन मद्रास इन द फाइनल इन द फाइनल क्लियर है चीज डाक कर्मयोगी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कुछ नहीं है कर्मयोगी मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था कर्मयोगी जिसमें क्या था जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं सिविल सर्वेंट्स आई ए एस आप समझ समझ सुनते होंगे तो वो जनरली क्या है उनके लिए एक चलाया गया था कर्मयोगी ताकि उनको वैसे नॉलेज देने की बात नहीं है कि उनको नॉलेज दिया जाए उनको थोड़ा सोसाइटी के बारे में बताया जाए थोड़ा उन उनपे फोकस किया जाए किस चीज़ के लिए ताकि उस फील्ड में करप्शन कम हो जाए करप्शन ना हो ज़्यादा उस फील्ड में क्योंकि वहाँ भी अगर करप्शन जाने लगी तो लोगों की बात कौन करेगा तो ऐसे कर्मयोगी एक चीज़ चलाई गई थी सिविल सर्विसेज के लिए या सिविल सर्वेंट्स के लिए तो अभी डार्क कर्मयोगी क्या है जो डाक एम्प्लॉइज है मतलब पोस्ट ऑफिस में जो इंप्लाइज हैं उनको ई लर्निंग चीज देनी है उनको सिखाना है कि कैसे आपने लोगों के साथ रहना है या कैसे काम करना है तो दैट इज अ डाक कर्मयोगी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा क्लियर होगी ये चीज यहां पे एक चीज भी लिखी है द मिनिस्ट्री द मिनिस्टर ऑल्सो कॉन्फर्ड मेघ दूत अवार्ड फॉर दो हजार इक्कीस टू रिकॉग्नाइज द गुड परफॉर्मेंस ऑफ द इम्प्लाई ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द मोटिवेट दम टू मेंटेन और इम्प्रूव दियर गुड वर्क अगर आपको पेपर में पूछ ले कि भाई मेघदूत अवार्ड जो है ये एक्चुअली नाइनटीन एटी फोर में देना शुरू हुआ मेघदूत अवार्ड ये हाइएस्ट अवार्ड है हाइएस्ट अवार्ड किस फील्ड में इन पोस्ट जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनमें सबसे बड़ा अवार्ड ये है हाइएस्ट अवार्ड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पोस्ट डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अवार्ड है मेघदूत तो लोगों को अवार्ड देंगे लोग उससे इन्फ्लुएंस होंगे कि भाई उसने अच्छा काम किया मैं भी करूं तो मुझे भी कल को अवार्ड मिलेगा तो ये चीजें आपस में मिलकर चल रही हैं ठीक है जी इट इज डेवलप्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट विजन ऑफ मिशन कर्मयोगी जो मैंने ऑलरेडी आपसे बात की है नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड छोड़ सकते हो इस न्यूज को लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी अर्जुन जो हमारा बैटल टैंक है जो बैटल में हम टैंक यूज करते हैं अर्जुन उससे लॉन्च की गई है कौन सी मिसाइल लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंटी टैंक मतलब टैंक को डिस्ट्रॉय करेगी ऐसी एक मिसाइल है टेस्ट किससे की है अर्जुन टैंक से इसको टेस्ट किया गया है मेन आपको क्वेश्चन क्या है अगर आपसे पूछ ले मुझे ये बताइए इंडिया के पास एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है नाम क्या है उसका जल्दी से नाम बताओ इंपॉर्टेंट है बताइए प्लीज़ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है थोड़ी सी रह गई है फिर हम कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये आकाश एंटी टैंक कहाँ से होगी नाग मिसाइल नहीं सुनी आप लोगों ने नाग मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है नाग फायर एंड फॉरगेट नाग क्या है हमारी एंटी टैंक मिसाइल है और एक हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल भी है जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च होती है नाग मिसाइल नाग तो है ही एंटी टैंक और एक है हेलेना हेलेना क्या है हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल ठीक है जी तो ये याद रखा करो मैंने बताया हुआ पहले भी कई बार आप लोगों को नासा कैपस्टोन मिशन लॉन्च टू द मून सिंपल है नाम याद रखना कैपस्टोन मिशन है नासा का किसके लिए भेजा गया है मून के लिए कुछ याद रखना इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन इंडिजीनियस ए एल एच एम के थ्री हेलीकॉप्टर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड को इंडिया की कोस्ट को जो प्रोटेक्ट करती है उसको क्या है उसने अपने क्या किए हैं इंडिजीनियस खुद का बनाए हुए उन्होंने खुद मतलब इंडिया का खुद का बनाया हुआ ए एल एच एम के थ्री हेलीकॉप्टर ताकि उनको कोई एरियल थ्रेटन आए उससे को भी वो कंट्रोल कर सकें इंडियन कोस्ट गार्ड जो है एक्चुअली 1978 में बना है कमेटी आई थी एक रुस्तमा जी कमेटी रुस्तमा जी कमेटी उसकी रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया इंडियन कोस्ट गार्ड को आफ्टर नाइनटीन वॉर 1971 वॉर के बाद ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसी इंडियन कोस्ट गार्ड होनी चाहिए जो हमारे कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करे हमारे कोस्टल को प्रोटेक्ट करे क्लियर है चीज़ इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड बनाई गई थी अभी उन्होंने एक अपना ए एल एच एम के थ्री हेलीकॉप्टर को कमीशन किया है अपनी फोर्स के अंदर क्रिकेट इंडिया डिफीट्स आयरलैंड इन अ टू मैच टी ट्वेंटी सीरीज हुआ कहाँ पे आइए माला मालाहाइड आयरलैंड नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे क्यों मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर प्रशांता चंद्रा महालनोबिस पी सी महालनोबिस नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स उनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स यूनिकॉर्न क्या होते हैं चलिए अभी यहां पे मुझे लगता नहीं कि वो लिखा हुआ है जल्दी से आप लोग आंसर बताइए यूनिकॉन क्या होते हैं यूनिकॉन जल्दी बताओ जी यूनिकॉन क्या होते हैं बताइए प्लीज सो तो नहीं गए क्या हो गया आपको मेरी आवाज़ लेट आती है या आपके पास मतलब आप टाइप करने में आपको दिक्कत होती है क्या दिक्कत क्या है मुझे ये तो बताओ क्या दिक्कत क्या है आप लोगों को भाई या आपको आता ही कुछ नहीं है यूनिकॉर्न कुछ भी हो तीन ही चीज़ें हो सकती हैं या जी हम इतने लेजी हैं कि हम टाइप नहीं कर सकते सो के लेक्चर देख रहे हैं या हमें नींद आ रही है और तीसरी चीज़ है कि यह हमें आता ही नहीं अब कौन सी है इनमें से यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं सिंपल एक चीज़ है आ, हुरुन आ, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट आस्क प्राइवेट वेल्थ हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडिया विल हैव 122 न्यू यूनिकॉर्न्स इन द नेक्स्ट टू टू फोर इयर्स यूनिकॉन एक ऐसी नई कंपनीज होती हैं स्टार्टअप्स होते हैं ठीक है जी जिनकी वैल्यू एक बिलियन डॉलर में से ज़्यादा होती है उनको यूनिकॉर्न बोला जाता है यहाँ देखिए यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप जिनकी वैल्यू एक बिलियन डॉलर से ज़्यादा होती है आफ्टर द जो कि 2000 मतलब ईयर 2000 के बाद बने हैं और जिनकी वैल्यू एक बिलियन डॉलर से ज़्यादा है ऐसी कंपनीज़ को यूनिकॉर्न बोला जाता है ऐसी कंपनी को क्या बोला जाता है जी यूनिकॉर्न दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसी बड़ी जो कंपनीज है वो कहाँ पे अगर आप देखो यूएस यु, होगा सेकेंड इज चाइना उसके बाद इंडिया का कहीं रैंक आता है यहाँ लिखा नहीं हुआ यहाँ है यूएस एंड चाइना हैव द टॉप टू लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स और दूसरी बात है कि अगर थर्ड की बात करें तो वो इंडिया है थर्ड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स अगर हम इंडिया की बात करें सबसे पहला यूएस चाइना फिर इंडिया का भी रैंक है अब अगर आप लोगों को ये डेफिनेशन नहीं पता कि व्हाट इज़ यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न क्या होता है सर जिनकी वैल्यू एक बिलियन डॉलर से ज़्यादा है ठीक है ना ऐसे स्टार्टअप जिनकी वैल्यू एक बिलियन डॉलर से ज़्यादा है उनको यूनिकॉर्न कहते हैं आप इतना तो मैसेज लिख सकते हो ना ये चीज़ तो आप लिख सकते हो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिकॉर्न क्या है इतना पुराना ये चीज़ न्यूज़ में चल रही है और मैं आपको सिंपल एक बात बता देता हूँ जितना आप चीज़ों को लाइटली लोगे आप ये सोच के चलो कि सामने कोई लाइटली नहीं ले रहा जो आपके कम्पिटिटर हैं वो कोई लाइटली नहीं ले रहे वो सारे पढ़ते हैं सारे डिटेल में पढ़ते हैं सारी चीज़ें और आपका उनके साथ कंपटीशन है जो पहले भी लोग दो दो तीन तीन चार चार साल से पेपर दे रहे हैं ठीक है ना तो ये सोच के पेपर में बैठा करो कि मुझे कहाँ जाना है मुझे कम्पीट किन के साथ करना है पोस्टें कितनी का आती हैं बीस पच्चीस तीस सौ आ जाएंगी दो सौ आ जाएंगी ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिकल की कितनी है हज़ार आ जाएंगी और उनको भरने वाला बंदा कितना होता है तो थोड़ा सा चीज़ों को आपने भूलना नहीं है दिमाग में रखना एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया बस है ना दो ही चीज़ें या तो क्लास ना लगाओ या दूसरी चीज़ है कि अगर लगा रहे हो तो वो चीज़ें कुछ प्रोडक्टिव तो हो कोई वो चीज़ चलो आगे देखो एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स सस्टेनेबिलिटी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इंडिया के चार शहर हैं जो सस्टेने पहले बीस में आए हैं एशिया पैसिफिक में वो कौन कौन से हैं एक तो आपका बेंगलुरु है कर्नाटका और फिर आपका दिल्ली है हैदराबाद है और मुंबई है ये शहर हैं जो सस्टेनेबिलिटी आपको पता है क्या चीज़ होता है सस्टेनेबिलिटी की आप चीज़ों को ऐसे यूटिलाइज़ करें कि वो आने वाली जनरेशन के लिए ख़त्म ना हो जाए उनके लिए भी बचे हैं वो चीज़ें वो होती है सस्टेनेबल सस्टेनेबल किसी चीज़ को ऐसे करना तो ऐसे सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स अभी आया था ठीक है नाइट फ्रैंक ने इसको लॉन्च किया है तो उन्होंने ये सारी लिस्ट दी है ग्लोबल स्टार्टअप इको इंडेक्स ग्लोबल स्टार्टअप इको इंडेक्स ठीक है जी अगर बिजनेस करना है स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर हम बात करें बिजनेस करना है तो अगर इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु आपको पता है रैंकड फर्स्ट अमंग इंडियन सिटीज इन 2022 रैंकिंग फर्दर मोर इट वाज रैंकड फर्स्ट इन साउथ एशिया अगर आपने स्टार्टअप कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए बेंगलुरु का रैंक सबसे ऊपर आता है ठीक है जी ये याद रखिएगा यूएन हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट ये करने की जरूरत नहीं है देख लेना इसको एक बार वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स वन बिलियन लोन्स टू सपोर्ट इंडिया हेल्थ सेक्टर इंडिया के हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए वन बिलियन डॉलर का लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने दोबारा वही एक न्यूज है पहले रोड सेफ्टी के लिए रोड के लिए दिया था अब हेल्थ सेक्टर के लिए दिया है एक आपने स्कीम सुनी होगी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत ये जो स्कीम है आयुष्मान भारत इसके दो कंपोनेंट हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जन आरोग्य योजना और दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कुछ लोगों को लगता है कि पाँच लाख रुपया हर फैमिली को हर साल देना है ठीक है जी उनके इलाज के लिए कि वो आयुष्मान भारत स्कीम है ऐसा नहीं है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम है जिसमें पांच लाख पर फैमिली पर ईयर देना है ठीक है जी और वो भी बीपीएल फैमिलीज जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं और ये उनको इंश्योरेंस जो मिलेगी हेल्थ इंश्योरेंस ये उनको सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटल्स में मिलेगी सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटल्स टर्शरी जैसे आपका पीजीआई हो गया एम्स हो गया सेकेंडरी आपका जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट का कोई जिले का कोई हॉस्पिटल हो गया और आपका जनरल प्राइमरी होते हैं जो आपके लोकल होते हैं प्राइमरी लेवल पे क्या खोलने हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये प्राइमरी लेवल पे है तो आयुष्मान भारत के अंदर तीनों चीज़ें हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ बट दो उसके कंपोनेंट है एक जन आरोग्य योजना एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये वाला है सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ के लिए और ये वाला है प्राइमरी हेल्थ के लिए ठीक है जी क्लियर हो गया आगे देखिए जी क्या है के के वेणुगोपाल के के वेणुगोपाल को क्या किया गया है जी अपॉइंट किया गया है दोबारा से के के वेणुगोपाल रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल दोबारा से अटॉर्नी जनरल उन्हें अपॉइंट कर दिया के के वेणुगोपाल ध्यान से सुन लो पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आ जाए अटॉर्नी जनरल पे मैं कुछ पॉइंट बोलने लगा हूँ वही आपके आंसर होंगे उससे बाहर आपको अटॉर्नी जनरल पे मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछेगा पहली चीज सबसे पहला आपको आगे भी लिखा है संविधान का आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है सेवनटी तो मतलब पहली चीज अटॉर्नी जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों क्योंकि इसका संविधान में क्या है जी आर्टिकल है ये बात खत्म दूसरी पॉइंट अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट नोट करो जो अगर करना है तो अटॉर्नी जनरल चलो पहले ये सुन लो अटॉर्नी जनरल क्या होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है सरकार को यही रिप्रेजेंट करता है अटॉर्नी जनरल इसका अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट और इसका रिमूवल कौन करता है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेजिडेंट इसको अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट इसको रिमूव करता है मतलब नो फिक्सड टेनोवर इसका कोई पूरा टेनओवर नहीं होता कि पांच साल छह साल दस साल कोई इसका फिक्स्ड टेनोवर नहीं है कभी भी निकाला और रखा जा सकता है बट होता सरकार के कहने पे करता प्रेसिडेंट है चार पॉइंट क्लियर है पांचवा पॉइंट अटेंड एनी पार्लियामेंट एनी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग पार्लियामेंट की कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसको अटेंड कर सकता है एंड कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन इट विदाउट राइट टू वोट बिना वोट करे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है अटेंड एनी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग एंड कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन इट बट विदाउट राइट टू वोट ये वोट नहीं कर सकता यह क्लियर होगी बात उसके बाद ही कैन और ही और शी कैन ऑल्सो डू प्राइवेट प्रैक्टिस प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं प्राइवेट मतलब किसी प्राइवेट बंदे का केस लड़ना है तो वो भी पॉसिबल है बट ऐसा ना हो कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ ना हो सिविल केस तो बिना गवर्नमेंट से परमिशन लिए क्रिमिनल में गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है बट नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो ये अटॉर्नी जनरल है ये अटॉर्नी जनरल के बारे में है और दूसरा सैलरी डिसाइडेड बाय नॉट पार्लियामेंट कई लोगों को लगता है कि हाँ ये तो इजी है डिसाइडेड बाय कहा डिसाइडेड बाय President. वो भी कौन डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट तो ये कुछ पॉइंट है अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको पूछेगा ही नहीं कुछ बस यही पूछ लेगा अगर कभी भी आपको क्वेश्चन आया तो पॉलिटी में बस यही क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल के क्लियर होगी बात जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं आप कोई भी पेपर उठा लेना जनरली आपको अगर अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन मिलेगा तो भाई यही पे मिलेगा ठीक है जी यही क्वेश्चन आएंगे चलिए आगे पहला अटॉर्नी जनरल एम सी सेटलवेट अभ्यास हाई स्पीड एक्टर एरियल मिजाइल जो इंडिया की तरफ अगर कोई मिजाइल आ रही है या मिजाइल हमें हमला करने वाली है तो उसको यह टारगेट करता है इसको बोला गया अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट लिखा है ना एरियल टारगेट कोई मिजाइल को टारगेट करेगा इसका टेस्ट अभी किया है ये सेकेंड टेस्ट है इसका पहला टेस्ट फर्स्ट टेस्ट हम इसका ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट टेस्ट किया था इन 2019 अभी अब ये इसका सेकेंड टेस्ट हम कर रहे हैं डीआरडीओ द्वारा चंदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा किसने डिजाइन और डेवलप किया वो देख लो इंग्लैंड की पर मॉर्गन अनाउंस द रिटायरमेंट आपने सुना होगा इनके बारे में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रीज पार्लियामेंट्रिज्म इंटरनेशनल डे ऑफ तो क्या ही याद करना है हमने इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रीज्म हमें जरूरत नहीं है मुझे बताओ इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो आप लोगों को पता होगा कि यस इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होती है नॉट अ प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट इज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेरा जो लोग पॉलिटी पढ़ चुके हैं या जिनको जो कहते हैं कि हमें पॉलिटी आती है आप लोग एक क्वेश्चन करना जाके कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों में से मोर स्टेबल गवर्नमेंट कहां होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आंसर दो मोर स्टेबल गवर्नमेंट कहां पे होती है आंसर लिखना प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री जल्दी आंसर लिखो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या चीजें मिस की हैं मतलब मेरा यह बताने का मोटिव यही होता है कि आपको पता लगे कि आप क्या चीजें मिस करते हो या क्या पढ़ना है या क्या क्वेश्चन बन रहा है आपका मोर स्टेबल थोड़ा सा सेवेंटी थ्री मिनट की क्लास होगी सात आठ मिनट और लगेंगे खत्म हो जाएगा सिमरन कौर ने लिखा सर पार्लियामेंट 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 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो ज्यादा स्टेबल रहती है और पार्लियामेंट्रियजम चलिए और कोई एक थोड़ी सी बात मुझे और करनी है हम लोग आंसर वो क्यों देते हैं कि जो हमें लगता है कि हमने पढ़ा हुआ यार ऐसा है तो वो होगा वो सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि एग्जामिनर भी वही सोच रहा है कि बच्चे ने क्वेश्चन मैं ऐसे आंसर डाल रहा हूं बच्चे ने ये सोच के आंसर देना है आप सोचा करो ना उस चीज को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है स्टेबल कैसे हो सकती है भाई आप खुद सोचो अभी क्या हुआ अभी इतना मुद्दा चला एक नाथ शिंदे वहां पे सीएम बन गए ठीक है जी ठाकरे जी को रिजाइन करना पड़ा क्यों क्योंकि उनके मंत्री चले गए तो कभी भी किसी भी सरकार के मंत्री चले जाएं तो उनको सरकार तो गिर जाती है वहां पे तो स्टेबल कैसे हुई क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा होता है नो इसलिए प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोर स्टेबल देन प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ लगी बात अब देखो तीन ने आंसर दिया तीनों ने गलत दिया है जो मैंने आपको बात समझाई है वो आपको समझ लगी है मुझे अब ये बोलने के लिए ये भी पूछना पड़ता है मुझे आप खुद नहीं बोलते कि हाँ सर ये समझ आ गया कुछ महाराष्ट्र रीनेम्स औरंगाबाद सिटी एज सांबाजी नगर एंड ओसानाबाद सिटी एज धाराशिव नाम चेंज किए हैं इतना कुछ देख लेना एक बार तेलंगाना ओपन वर्ल्ड बिगेस्ट इनोवेशन कैंपस टी हब टेक्नोलॉजी हब तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैज एक्यूरेटेड टेक्नोलॉजी हब टू पॉइंट लार्जेस्ट इनोवेशन हब इन हैदराबाद द कैपिटल ऑफ तेलंगाना सिंपल न्यूज है वन लाइनर वन लाइनर न्यूज में आ सकता है वर्ल्ड बिगेस्ट इनोवेशन कैंपस कहाँ पे खोला गया हैदराबाद तेलंगाना ठीक है जी तेलंगाना स्टील मिनिस्ट्री ज्वाइंस पीएम गति शक्ति पोर्टल गति शक्ति पोर्टल क्या है एक्चुअली गति शक्ति पोर्टल गैस सरकार की एक स्कीम थी गति शक्ति गति शक्ति में क्या था गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी उनकी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना उनको जल्दी से काम करना और देखना उन पर चेक रखना कि वो कहाँ कहाँ तक पहुँची हैं अगर गवर्नमेंट का कोई कंस्ट्रक्शन काम है या कुछ है तो देखना कि वो प्लान कहाँ तक आगे चला है तो ये एक गति शक्ति स्कीम थी अभी स्टील मिनिस्ट्री ने भी उसको ज्वाइन कर लिया है इसमें क्या होगा एंड अपलोडेड द जियो लोकेशन एंड प्रोजेक्ट विद द एम ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिजिंग मिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी गैप्स नेशनल मास्टर प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड बाय एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये प्लान बनाया गया था गति शक्ति ठीक है जी टू ब्रिंक डिफरेंट मिनिस्ट्री टुगेदर एंड फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अलग अलग मिनिस्ट्री आपस में कनेक्ट होंगी और एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में काम करेंगी उनकी कॉर्डिनेशन होगी ये गति शक्ति है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग बेंगलुरु 149 का चेन्नई का 125 एकनाथ शिंदे सोन इन ए सी ऑफ महाराष्ट्र कोई क्वेश्चन पूछना है जी जो इतना मुद्दा हुआ महाराष्ट्र में कोई क्वेश्चन आपने पूछना है किसी को ना पता हो एंटी डिफेक्शन के बारे में हॉर्स ट्रेडिंग तो अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो कि सर एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों नहीं लगा मैं थोड़ा सा बता देता हूं हमारे संविधान में फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट हुई 1985 में अमेंडमेंट हुई कौन से ईयर में 1985 में जिसके अंदर एक स्कैडल ऐड किया गया संविधान में टेंथ जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें क्या होता है अगर किसी पार्टी के मेंबर जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब कि वो जहाँ जीते हुए वो सीट उनकी खाली करवा देती दी जाती है और उनको हाउस से बाहर निकाल दिया जाता है हाउस से उनकी सीट ही खत्म क्लियर है चीज़ एंटी डिफेक्शन लॉ बट अगर काफ़ी चीज़ें इसमें इसमें ऐसा नहीं कि ये एक ही है और भी पॉइंट्स हैं नॉमिनेटेड मेंबर को छः महीने के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट मेंबर किसी को ज्वाइन नहीं कर सकता किसी बंदी ने बंदे ने पार्टी से रिजाइन कर दिया उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है अलग अलग तरीके हैं बट अभी मुद्दा क्या चल रहा था अगर किसी पार्टी के टू थर्ड मेंबर टू थर्ड मेंबर मान लो उस पार्टी के मेंबर साठ हैं और साठ में से चालीस दूसरी तरफ चले गए तब भाई उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा ये एक्सेप्शन है क्लियर है चीज़ अगर किसी पार्टी के टू थर्ड मेंबर किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं तब उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जब लगता है स्पीकर लगाता है मतलब जो विधानसभा होती है वहाँ तो स्पीकर लगाएगा राज्यसभा में चेयरमैन लोकसभा में भी स्पीकर ये लगा के वो बंदों को हाउस से बाहर निकाल सकता है कि भाई आप ख़त्म हो गई आपकी एम या एम शिप अब आप जाओ यहाँ से क्लियर है ये चीज़ तो जहाँ टू थर्ड मेंबर दूसरी पार्टी में चले जाएँ वहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता लियोनार्डो डल विच यो बिलियनर रेबन ऑनर उनकी डेथ हो गई है नेशनल डॉक्टर्स डे है जुलाई एक प्लीज देख लेना एक बार बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे चलिए जी कुछ डेज थे वो लास्ट में रखे थे क्लियर है आज का जो आपका ये सेशन था ये यहीं ख़त्म होता है तो नेक्स्ट हम जो भी थर्ड जुलाई के बाद की न्यूज़ हैं आपको पता है पूरा वीक की न्यूज़ उनको डिस्कस करेंगे और आपकी पी भी मैं स्टार्टिंग में ही शेयर करवा दूंगा ओके जी थैंक यू थैंक यू एवरी हाँ जी ये हर ट्यूसडे क्लास लगती है सिमरन